और ये देखिए यहाँ पर कुछ चाइनीज लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। भोलेनाथ सबका कल्याण कर। तपती गर्मी में बनारस में टपक रही बर्फ, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है बनारस की गर्मी में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस, तो आज की सुबह यही हुई है क्योंकि कल रात यही ठहरे हुए थे। तो अभी जो है हम दसों में स्टार्ट किया है, फिर वहां से काफी मंदिर जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस घाट में। आप लोग यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे ये देखिए भाई साहब, बोटिंग करके लोग आ चुके हैं। यहाँ पे छोटी से लगा के बड़ी तक काफी ज्यादा बड़ी बोट है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी होटल में ठहरा हुआ था और हम लोग गंगा स्नान करके दशमेध घाट से फिर जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके हम अपने होटल वापस आ गए थे 12 बजे। वही 9 बजे हम लोग वहीं पर नहा रहे थे और उसके बाद दर्शन के लिए निकल गए। काफ़ी टाइम लग गया था और फ़ोन ले जाना वहाँ अलाउ नहीं होता, फ़ोन स्मार्ट वॉच वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ अलाउ नहीं होती हैं। तो अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं, 6:30 बजे जो है संध्या आरती होती है। तो हम फिर वही घाट पर चल रहे हैं दशमेश घाट पर। तो अभी आपको संध्या आरती दिखाते हैं, काफ़ी अमेजिंग लगती है यहाँ की संध्या आरती भाई साहब। काफ़ी मशहूर है काशी विश्वनाथ जी की संध्या आरती, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बोटिंग करेंगे हम लोग, सारे घाट घूमते हैं जहाँ तक हो सकता है, और बाकी ये लोग भी तैयार हो गए दिखाते हैं। तो भाइयों बहनों नहा धोकर एकदम रेडी है ये लोग, आओ आजा चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे होटल जो है काफ़ी अमेजिंग तरीके से डेकोरेट करके रखे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे दुकान देखिए इनकी, देख सकते हैं आप। हम लोग निकलते हैं घाट के लिए, यहाँ से घाट लगभग 1.5-2 किलोमीटर से होगा, जाते जाते 6:30 बजे जाएगा। ठीक है, एकदम यहाँ पे होटल से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा जल रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे हो रखी है। वही 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान है और रात के यहाँ 12 लगभग 33 रहता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम यहाँ पर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी को दिखाएंगे कि यहाँ पर आज हम लोग दशमेध घाट आए हुए हैं बनारस का। तो यहाँ से जर्नी शुरू होती है कि ये भी रास्ता जाता है घाट को और एक ये भी जाता है, तो हम लोग इस वाले से ही चलते हैं और इस वाले से जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या सीन है बोटिंग का, एक तो नाव करेंगे और फिर वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे का सीन आपको वहाँ से दिखाएंगे। अब तक के लिए जुड़े रहे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये है बनारस का दशमेध घाट और यहीं से ये जो बोटिंग इधर से उधर आ जा रही है, भैया है हमारे बोटिंग और अभी बोटिंग वाले भैया को ढूंढते हैं हम भैया। हाँ, नाव पे जाना है, 100 रुपया सवारी है और बड़ा महंगा है। हाँ, आरती भी दिखाएंगे। हाँ, चैनल भी आपको बताया जाएगा, अभी व्लॉगिंग का चैनल है उसी पे मिलेगा। तो अभी जो है हम आ चुके हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पे, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कितनी भक्ति है, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है और वीडियो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए नाव। तो आइए दोस्तों ये दिखाते हैं आपको, यह है काशी का दशमेध घाट और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
संसदीय क्षेत्र है, तो और यहाँ पर देखते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कि ये कॉरिडोर का उद्घाटन करवाया था, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये, इससे काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। सभी श्रद्धालु बड़े आराम से भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बम बम बोल रहा है काशी, यही है काशी का घाट और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को। और आगे की जर्नी अभी आप लोगों को दिखाएंगे जब हम वोटिंग करेंगे। और ये देखिए कितना भव्य और स्वर्णिम कॉरिडोर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे काफी श्रद्धालुओं को सुविधा होती है आने जाने में। ये जरा दिखाइए, काफी भव्य सुंदर अद्भुत अद्वितीय कॉरिडोर है ये। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है, यही है वाराणसी का मणिकर्णिका का घाट, जहाँ पे हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरफ भी। संध्या आरती का समय हो रहा है और यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं काफी तेजी से। कुछ ही समय बाद संध्या आरती होगी, आप लोग देख सकते हैं घाट का नजारा।